नमस्ते भाई, आज फिर से आप अपने घर की वीडियो बनाते हैं। अपने घर की चौकीन वाले खबर दिखाता हूँ। अरे एक लड़के ने पिछले वीडियो में कमेंट डाला था कि काका गुस्से में नहीं लालच में आपने मक्खन की इतनी रेट बढ़ाया। तो उस लड़के ने इतना ही सुना कि गुस्से में मैंने रेट बढ़ाया, ये नहीं सुना कि किसी ने नहीं लेने को होना। और चलो ऐसे कमेंट भी आने को होना, ताकि ऐसे कमेंट आने से और स्ट्रांग बनूंगा मैं और अच्छे खबर दिखाऊंगा। और एक लड़के का और भी एक कमेंट था कि काका वो दवाई ववाई की वीडियो बनाओ, अभी ठंडी में खबर बीमार हो रहे। बताऊंगा बीच में, नहीं तो आखिरी में बताऊंगा। अभी खबूतरों की वीडियो बनाते हैं, दिखाता हूँ दूसरे। ये पहली जोड़ी कलसरे की, इसमें लग रहा होगा कि ये नर है ये मादी है, लेकिन ये मादी, ये नर है ये मादी है। दिखाता हूँ एक एक का शौक। ये नर है, आँख का शौक कर लो। काली चोच, काले नाखून, नली भरा पैर मोच है ये, काले नाखून है, परकटा है। इसके बच्चे बड़े अच्छे उड़ते हैं, पेटी में से निकले दो दिन पे घर में चले, घर के ऊपर चले जाते हैं। दो ही दिन में, हफ्ते भरी की जरूरत नहीं। जैसे पेटी में से गाले में से निकले, माँ बाप को छोड़ते ही धुआंधार उड़ते। इसका बाज ने पट्टा मारा, एक मेरे दोस्त को दिया था उड़ाने, उसके पास भी बाज ने मारा। अभी इसके पास अंडे है। एक लड़के ने भी कमेंट किया था मेरे को, नहीं इसके ये पैरमोच देख के मेरे को याद आई। एक लड़के ने व्हाट्सएप में डाला था मेरे को, बोले काका पैरमोच खबदर नहीं उड़ते। बोले मुगला किसने बोला? हाँ बहुत लोग मेरे इधर के बोलते हैं, बोले कि पैरमोच खबदर नहीं उड़ता। मैं बोला नहीं बेटा, गिरे बाज खबदर पैरमोच, फुल पैरमोच भी हो ना तब भी उड़ता है। मैं क्या कमेंट में ना मेरे को जवाब देना नहीं आता, तो डायरेक्ट फोन किया करो यार। और जो भी फोन करता हूँ उसका हल तो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ मादी। ये मादी उसकी कल से रही थी, आँख का शौक कर लो। काली चोच है, काली नाखून, और ज्यादा बड़ी नहीं है ये, मतलब उम्र से, लेकिन हेल्थ से है। इनके एक ही बच्चे निकाला था, ये भी गए सीजन में पकड़ा था मैंने, पांचवे महीने के। ये मेरे पांचवे छठवे महीने के जो खबर होते ना मैं नहीं बेचता हूँ, ये मैं ऐसे दिखाने के लिए रखता हूँ। इनके बच्चों का रिजल्ट तो है अपने पास, अभी अंडे हैं। इस साल भी इसके पट्टे अपन तैयार कर ही लेंगे, हो जाते तब तक के। पिंजरे में दिखाता हूँ, बादल बादल का मौसम है रे बाबा, क्योंकि तीन दिन इधर भी पानी आया। कभी कभी मार्केट में भी होता है यार, वो मार्केट है रोड पे बैठते हैं, तो धूप में जो लोग हैं उनकी खबर बराबर नहीं दिखते, और जो छाव में बैठे हैं तो वो खबर अच्छे दिखते, कोई पेड़ों के नीचे बैठते तो उनके खबर अच्छे नहीं दिखते, कभी उनके अच्छे नहीं दिखते, कभी पेड़ों के नीचे वाले उनके भी अच्छे दिखते हैं। तो कमेंट में बोलते हैं काका बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो वो मार्केट है बेटा, उसमें धूप छाव वाले कोई कई 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 बैठते हैं। चलो दूसरी जोड़ी दिखाता हूँ। ये दूसरी जोड़ी, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है मेरे पास, मैं खुद ही उड़ाता है। इसका भी पट्टा बाज ने मारा, एक ही पट्टा लिया था, अभी दो पट्टे है इसके। दिखाता हूँ एक एक का शौक करवाता हूँ। ये नर है, ये आँख इसकी बच्चे पे है, ये चोट से पता ही चलता। कथाई कलर में नाखून है इसके, कलर के हिसाब से नाखून है। चोच भी वैसी है, पूरी काली नहीं और पूरी भूरी नहीं, लाल सर में है, पर झड़ा है इसने। ये भी पहले ही पकड़ा था गए साल का है।
बहुत लोगों ने मांगे थे इसको, अभी पर झड़ाया कुछ न, ये पर झड़ते झड़ते कुछ नहीं आ रहे, कुछ और झड़ा रहा है। ये कलर बंदूम का कब दर, जब खुली दुम आएंगी ना, खुली दुम का कब दर रहेगा तब बोलते जाऊंगा मैं कि खुली दुम का है। दिखाता हूँ इसकी माटी भी, ये काश्निक राजस्थानी खबदरी ने ये भी पकड़े थे, पहले बहुत पहले दिखाया था मैंने इसको, मतलब पहले पहले वीडियो में। भूरी सी चोच है, भूरे ही नाखून है, ये भी पैर मोच है। इसको नहीं उड़ाया मैंने क्योंकि ये मिलने वाले नहीं अपने पास, फुकट में आई है पकड़ने में। बहुत से लोगों ने मांगे भी इसको लेकिन मैंने नहीं बेचा, मैं बोला इसी खबदरी अपने पास आएगी नहीं यार, और अपन बाहर के खबदर मंगाते नहीं है। दिखाता वीडियो में, इसके पट्टे बहुत अच्छे उड़े अपने पास। ये अपन पिंजरे में कभी डालते नहीं ना, तो ये पिंजरे में ना ऐसी गड़बड़ करते हैं, गाले में कुटरते हैं क्योंकि उनका गाला उनका घर होता है ना, पिंजरे में डालो वो सोचते कहाँ कैद कर दिया यार। दिखाते तीसरी, ये तीसरी जोड़ी, एक एक का शौक करवाता हूं। आग का शौक कर लो, काली चोच, काले नाखून, ये कलसरा है, और मेरे बातों पे ध्यान देना कि मैं पुरानी खबर दिखाता हूँ कि नहीं। ये वो कलसरा है जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था, फर्स्ट इसकी वीडियो है, शार्ट वीडियो पहली वीडियो है मेरी चैनल पे, ये इस खबर की वीडियो है वो। अगर झूठ होगा तो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो निकालना मेरी वाली, इस कल्सरी की है। तो ऐसे बचा के रखता हूँ और बाद में फिर बोलता हूँ कि ये मेरी कंपनी है, तो इनका रिजल्ट है। यह है वो कल्सरा, इसके भी पट्टे मेरे पास है, अभी भी है और उड़ाता भी हूँ। अभी इसका एक पट्टा निकला ना, मैं उड़ा रहा हूँ मस्त तितली उड़ान का, ये भी बंदूम का खबदर है। दिखाता हूँ इसकी मादी, यह है कलसरी की मादी, आपका शौक करो, कलंकी है ये और प्योर कलंकी है। धूप में देखो आँख इसकी या छाव में देखो, प्योर काली है। भूरी चोच की खबदरी ने, भूरे नाखून, कलदुम्मी खबदरी ने, इसके पट्टे अभी भी है, मैं उड़ाता हूँ। जो कलसरी की नस्ल में निकले है ना, वो कलसरी जो अभी दिखाता हूँ मैं, वो इनमें से है। खड़ान देखो भाई इसकी, मैं इसको किसी हाल में नहीं बेचता। बहुत आए इसको ग्राहक मांगने, पर मैं सब बोलता था भाई ये लाखों की चीज है मेरी, क्योंकि ये यादगार है मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो, और बहुत लोगों ने देखे थे। बताता हूँ दूसरी जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये नर है, ये मादी है। एक एक का शौक करवाता हूं, आग का शौक कर लो। काली चोच, काले नाखून,
पर कटाइए भाई, क्योंकि कंपनियां परदार नहीं होना चाहिए। और ये खप्पर की भी लंबाई बहुत है भाई, कम से कम 10-12 इंच का खप्पर है ये। इसके भी पट्टे उड़ते हैं, ऐसे है मेरे पास। इसके माटी का शौक करवाता हूँ। ये माटी है उसकी, आग देखो इसकी। काली काली चोच, काले नाखून, ये खुले दुम की है, खुले दुम की खपदरी नहीं। जब पकड़े थे बिल्कुल तितली उड़ान में थे। ये देखो खपदर, पिंजरे में दिखाता हूँ। जो मैं खबर दिखाता ना, बताने का यार कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, है कि नहीं उस लायक खबर। और ये सारे मेरे घर के हैं, मैं किसी से लाता नहीं, किसी के घर में जाता ही नहीं मैं तो। पहली बार मेरे भी खबर गए ना, नहीं जाता। अभी वीडियो बनाते बनाते एक ने फोन किया, काका बोले ये तुम्हारे घर का है क्या? बोला नहीं भाई, मैंने बेचा होगा और किसी के घर से भागा होगा, वो नहीं मेरे को मालूम। ये मेरा नहीं, मेरा पहले गया ये काला सिकरा और ये तांबड़ा पिलंका, दो खप्पर गए मेरे। चलो बताता दूसरी जोड़ी। एक जोड़ी, और ये बहुत पुरानी नस्ल है मेरी, कम से कम 17 साल पुरानी नस्ल है ये मेरी जागदोबाज की। इसके पट्टे बहुत लोगों ने उड़ाए, अब नाम नहीं लेता उन लोगों का, बेमान हुए है वो लोग। मैं ही उड़ाता हूँ और बहुत जने को दिया, ये बाहर भी भेजा हूँ मैंने इसकी नसल। एक एक का शौक कराता हूँ। ये नर है, ये मादी है। आग का शौक करो, इसी के कलर के माफिक चोच है इसकी, देखो नाखून भी वैसे है। बच्चे हैं इनके अभी, इसको कम से कम 3-3.5 साल हो गए अपन ने पकड़े थे, तब से कह दिए। इसका कलर ही अच्छा है कि मिलता ही नहीं ऐसा कलर। बच्चे उड़ते भाई, इसकी माँ जी तो मेरे घर की है नसल, इसके साथ भी लगाया हूँ तो इसके साथ बच्चे उड़ते हैं इनके। अभी पट्टा तैयार है इनका, घुमा रहा हूँ 10-10, 15-15 मिनट, नया नया है तो फिर आधा आधा 1-2 घंटा उड़ा के फिर प्रकाट दूंगा, दिखाता हूँ इसकी माटी का शौक करवाता हूँ। आग का शौक करो, ये घर का बच्चा है मेरा, परदार ही रहता है क्योंकि ये पहले उड़ चुकी है, 3 झोल हो चुकी है इसकी, तो ये ज़्यादा उड़ती नहीं, 2 घंटा 1.5 घंटा। इतने बच्चे निकालने के बाद उतना भी नहीं उड़ते खपदर। लाल सर नाखून है, लाल सर चोच दिखाता हूँ पिंजरे में। दिखाता हूँ दूसरा जोड़ा। ये जोड़ा भाई कंपनी अपनी है, और एक दोनों कलंक है। एक एक का शौक करवाता हूँ। ये नर है, ये मादी है। आपका शौक करो,
करकटी है ये कैंची पे, काली चोच, काले नाखून, मेरे पास का जो बबरे उड़ रहे ना उसकी इतनी उड़ान है इसकी, चार चार बजे का खपत रही है, करता हूँ इसके मादी का शौक। काली चोच, काली नाखून है, प्योर काले, बंदूम की खपदरी ने, ये भी देखो क्या बड़ी जात खपदरी ने, बहुत फुर्ता ही है मेरे यहाँ के खपदरों को, यह खपदरी। पिंजरे में देखो है भाई जोड़ी बढ़िया, आपको जो उड़े बीड़े खबर है ना मेरे, जो पट्टे उड़ा के रखा हो वो दिखाता हूँ, फटाफट दिखाऊंगा। लेकिन ये घर के पट्टे है, उड़े हैं, और ये गारंटी से लोगों को बेचना है अपने को, कई लोगों ने मांगे है, वीडियो नहीं बनाया था लेकिन ऐसी भेजा ना तो कई जनों ने मांगे है, पूना हो गया, पूना, औरंगाबाद, सूरत और धुले, यहाँ इन लोगों ने देखे ये खबर। अभी एक जुनेद है सिवनी का, उसने भी ये पसंद किया है, तो वीडियो में डाल के दिखाता हूँ। ये 5 घंटे उड़ी है खबर ने अपने पास, ये भी उड़ा है, दिखाता हूँ एक एक, आँख का शौक कर लो। कलर की माफिक लाल सर चोच है इसकी, लाल सर ही नाखून है, ये अभी रमाते रमाते ये 5 घंटे उड़े अपने पास, फुल टाइमिंग अभी लिया नहीं इनका, क्योंकि फुल टाइम अगर ले लूँ तो फिर बेचूंगा क्यों, फुल टाइम अगर इनका लिया तो फिर नहीं बेचता मैं। ये रमाते रमाते अपने पास कोई 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा उड़ता ना तो फिर वो गारंटी से अपन किसी को भी देते, ये वो बंदा भी अपने से झूठ नहीं बोल सकता। ये अपने लाल गजरे का पट्टा है, पहले दिखाया था लाल गजरे अपने, ये रमाते रमाते 5 घंटा इसने दिखाया टाइम अपने को, वो पट्टी भी वैसी दिखाता हूँ। ये अभी जो काशनी दिखाया था ना कारण, ये उसी की पट्टी है, ये भी रमाते रमाते 5 घंटे दिखाई है इसने अपने को समय, अभी पूरा समय लेने के बाद ना ये फिर बता देते हैं कि कितना घंटा उड़ सकते हैं, टाइमिंग दिखाने के बाद मैं कैंची मारता हूँ, क्योंकि अभी इनको कैंची मारे तो बात से बच जाते हैं, ये धूप काले में देखेंगे अपन, जो बिका तो ठीक नहीं तो फिर ये है जो अपने पास जमे। पिंजरे में दिखाता हूँ, ये इलाहाबादी है भाई, ये जो जा रहा ना ये इलाहाबादी है, मैंने पकड़ा था इसको और फिर उड़ाया, ये साला आधा ही घंटा उड़ता, पहले भी मैंने वीडियो में बताया, अभी इसका पट्टा निकला सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम, उसको उड़ाऊंगा अभी, इतना ही हो गया, वो भी उसको उड़ाया नहीं क्योंकि पिछले बार हुआ था, वो सीजन में अच्छा निकला था लेकिन आँख उसकी ऐसी थी, मतलब बारिश में जो आँख आई सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बाकी तो एक दिन में सुधरते थे दवाई से, वो नहीं सुधर रहा था, लेकिन अभी तैयार है वो, अभी उड़ाऊंगा उसको इस साल, दिखाता हूँ दूसरी। ये दोनों मादी पट्टियाँ,
इनको भी उड़ा के रखाओ, कैची करके रखाओ। ये कब्जर इन लाइफ जो भी देखेंगे ना वो यही बोलेंगे, हाँ भाई ये तो काका उड़े ना उड़े ऐसा कुछ भी बताए ना कि नहीं उड़ा, तब भी मानेंगे कि हाँ ये कब्जरिन तो उड़ेगी। कलर के माफिक चोच है इसकी, नाखून भी वैसी है, इसका शौक करवाता। ये भी अपने पास चार घंटे उड़ी है खबदरी, पंख इसकी भी मार दिया हूँ। अरे ये सारे गारंटी के ही है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना नहीं उड़ेंगे ना, वापस तो लेने की बात करता हूँ। इस बार ये 800 रुपये नग से बेच रहा हूँ, अगर जो नहीं उड़ा वापस करना 1000 दूंगा। बिकने के लिए नहीं बोला मैंने ये कि 200 ज्यादा के दूंगा, खुद ही बिकते हैं। मैं पागल होता हूँ, कई लोगों के आर्डर नहीं भेजता हूँ, नहीं समय मिलता ना नहीं भेजता हूँ। और जिसके पास नहीं है उड़ान के वो भाई अपने से अपनी कीमत दे और खबदर ले ले, नहीं उड़ा उसके लिए अपन है। दिखाता हूँ दूसरे, और ये जोड़ा एक जरा देखो, एक एक का शौक करवाता हूँ। कल जरा देखो भाई, ये अपने दोस्त के यहाँ से लाया हूँ बच्चे निकालने। उन्होंने दिया, मैं मांगता नहीं, उनके यहाँ जोड़ा नहीं लग रहा था। वो बोले भाई इनको रख लो, आपका शौक कर लो। लालसर चोच है, लालसर ही नाखून है इसके। ये माधी भाई मेरे पास एक सिकरन जी बताया था, इसका सर देखो चेकता है, एक ऐसी वीडियो में दिखाया था मैंने, वो बाज ने मार दिया खबदरी। बोल रहा था मैं कि ऐसी ये चेकता जो भाग रहता ना सर पे, ये खबदर बहुत उड़ते करके, वो भी बहुत उड़ी अपने पास, बाज ने मार दिया उसको। पिछले साल बहुत लोगों को बताया था ना मैंने, 29 खबदर बाज ने मारे थे। ये दो छड़ पे भी भागती है, लाल सर चोच है इसकी भी, काली लाल सर और नाखून भी लाल सर है। ये कल धुम्मे के माफिक उसको भी एक काली दो पूछ है, इसको भी एक पूछ है। ये खबदरी पिंजरे में देखो, दिखाता और एक जोड़ी फटाफट दिखाता हूँ, टाइम ज्यादा होता है। यह आखिरी जोड़ी रे बाबा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी बनेंगी। एक एक को करवाता हूँ, ये तामड़ा नर है। काली चोच, काले नाखून, परबंदी है, कब्दर पकड़े थे अपन ने, परबंदी चाहिए। मादी का शौक करवाता हूँ, ये घर की पट्टी है, इसको उड़ाया हूँ मैंने। पर बांध के रखा हूँ, लाल सर चोच है, लाल सर ही नाखून है, कलर के हिसाब से नाखून है, पर बांध के रखा हूँ इसके। देख लो पिंजरे में,
और ये वीडियो इधर ही खत्म करेंगे रे बाबा, कहीं लंबी ना हो जाए। तो दवाई के बारे में यही बताऊंगा, जैसे एक लड़के ने बोला था कि काका ठंडी में खपदरों का रहन-सहन बिगड़ जाता है, कुछ हवा पानी भी बिगड़ जाती है तो कैसे रखे। तो पहली बात तो रात को ना खपदर बंद करते समय झाँक के रखो, और सुबेरे जब भी अगर खोलते हो कबूतर, चाहे 11-12 बजे हो या सुबेरे हो, गर्म पानी बना के कुनकुना पानी पिलाओ उनको। उनके पानी पीने के जो भी है, कुंडी है, घमेला है, जो भी है ना साधन जिसमें पानी पीते हैं तुम्हारे कबूतर, उसमें ना गर्म पानी डालो, ताकि कोई वायरस नहीं आएगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। जो जिसको हुई है ना वो भी रिकवरमेंट हो जाएंगी कुनकुना पानी पीने से। और फिर भी कुछ हुआ तो हर हफ्ते टेरोमेसिन की एक गोली ना उसमें डाल दिया करो पानी में, कुछ नहीं होगा। अभी भी आया था ना मेरे को सिवनी से, विक्की ने व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने भेजे हुए खपदरों में से एक खैरे खपदर को हुआ, ठंडी में आ गया वो, हाँ अपना पूरे मुंह से ही स्वाद डाल रहा है वो। तो उसने दिखाया और ज़्यादा हुआ वो, उसको बोला बेटा अभी तो इसको लहसुन फसन कुछ मत खिला, गर्म करने के लिए ना ये मर जाएगा। उससे अच्छा बोला पहले टेरोमेसिन खिला, गर्म पानी पिला और खिलाई इसको सिर्फ रोटी, बोला शाम तक ये अगर ठीक रहा, क्योंकि ज़्यादा हुआ वो, शाम तक ठीक रहा ना तो फिर बोला वो तू लहसुन खिला सकता है उसको, तब तक अभी तो लहसुन मत खिला बोला, ये सहन कर नहीं पाएगा। इसलिए ठंडी में जाने मत दो खपदरों को, ढाक ढुक के रखो भाई, और सुबेरे जब भी खोलते हो गर्म पानी बना के पिलाओ। चलो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार वीडियो में, हो सकता है समय मिला तो घर की बना लेंगे, नहीं तो फिर मार्केट की वीडियो बना ही लेंगे। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम संतोष काका है, चैनल में वैसे मक्खी वाला करके फेमस हूँ, और रहना है अपना नागपुर महाराष्ट्र, वायुसेना के बिल्कुल पीछे, वाड़ी ढाबा नागपुर। धन्यवाद।